हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ। मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, मैं नेल पेंट नहीं चेंज करती, ऐसी टूटी फूटी नेल पेंट रहती है और मुझे नाखून बढ़ाना अच्छा भी नहीं लगता। कल मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, मेरी मासी वगैरह आए थे तो वो बोल रहे थे कि तुम नेल्स क्यों नहीं बढ़ाती, तुम नेल पेंट क्यों नहीं लगाती, तुम हैंड में एक्सेसरीज क्यों रोज नहीं पहनती वीडियो में। लेकिन सच में मुझे एक बात तो यही सच है कि मुझे नहीं पसंद नेल्स बढ़ाना या नेल पेंट लगाना। ये भी मेरे को ज़बरदस्ती मेरी मम्मी बोलती है इसलिए मैं लगाती हूँ, या फिर रिंग्स और बहुत सारी चीज़ें करना। मुझे ना सिंपल चीज़ें रखना पसंद है, बहुत उसको खिचड़ी कर दो और बहुत मतलब ध्यान वो रीडिंग से हटकर किसी का नेल्स पे ही चला जाए तो रीडिंग करने का क्या फ़ायदा। तो मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि मैं सिंपल रखूँ, सिर्फ रीडिंग पे फोकस करूँ और आपका भी फोकस सिर्फ रीडिंग पे ही रहे। तो आप मुझे अपनी राय बताना इस बारे में, क्या आपको मेरी ऐसी सिंपल सिंप्लिसिटी पसंद है कि मैं सिंपल बस वीडियो पे फोकस कर रही हूँ, वीडियो बनाने पे, या फिर मैं भी नेल्स बढ़ाने लग जाऊँ या नेल पेंट लगाने लग जाऊँ जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो आई डोंट एन्जॉय डूइंग दैट। मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती, बट आई डोंट लाइक दैट। मुझे सिंपल चीज़ बहुत पसंद है, मैं सिंपल कपड़े पहनती हूँ, सिंपल रहना, सिंपल मुझे सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप अपनी राय ज़रूर बताना, क्योंकि आप मुझे बहुत सालों से देख रहे हो तो आपके दिमाग में भी कभी आया होगा ना कि बाकी टैरो रीडर्स और अच्छी बात है उनको पसंद है वो करते हैं, गुड फॉर देम, बट मुझे नहीं पसंद, आई डोंट एन्जॉय डूइंग दैट। और मुझे बस रहता है कि भाई मेरा वीडियो जाना चाहिए टाइम पे, आप लोगों को वीडियो मिलना चाहिए, आप लोग बहुत आस लगा के बैठे होते हो और आपका ध्यान पूरा वीडियो में जो बता रहे हो उस पर होना चाहिए, मेरी गाइडेंस पे होना चाहिए, ना कि मेरे नेल्स पे या मेरे रिंग्स पे या इन चीज़ों पे। तो इस बारे में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर लिखना, ठीक है? तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ना आप उनसे बिल्कुल बात कर रहे हो ना वो आपसे बात कर रहे हैं। उस केस में आपकी फीलिंग्स क्या है और उनकी फीलिंग्स क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। डिवाइन प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दे। हमारे व्यूअर की क्या सोच है, हमारे व्यूअर क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर, डिवाइन प्लीज बताए। व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर देयर फीलिंग्स। ओके, फॉलोइंग द टर्निंग पॉइंट, द मैरिंग मेडन, द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द अराउजिंग। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके, वाई इज फॉलोइंग हियर, क्यों है फॉलोइंग का कार्ड यहाँ पे, ये एनर्जी आपकी क्यों है, वाई इज फॉलोइंग हियर, डिवाइन प्लीज बताए फॉलोइंग क्यों है, वाई इज फॉलोइंग योर लस्टिंग। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रनिंग। ओके, कहीं ना मुझे आपकी एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी लग रही है जहाँ पे आपके दिमाग में ना ये चीज़ बैठ गई है कि इस इंसान को मुझसे सिर्फ फ़ायदा है। अब ये फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, या तो आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर मुझे लेकर लाइक ट्रू फीलिंग्स ही नहीं है, या तो सिर्फ लस्ट है, ये सिर्फ अट्रैक्टेड है मेरी तरफ, ऐसा आपको महसूस होता है, ठीक है। सो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन शायद है ही ऐसा, ये मेरे साथ फ़ायदे के लिए था, या ये पर्सन नॉन कमिटल है, प्लेयर है, ये सबके साथ ऐसा ही करता होगा, ये लॉयल नहीं है, ठीक है। बट कहीं ना आप इनके साथ ये सब फील होने के बावजूद इनके लिए आपके मन में प्यार है या आप इनके साथ रहे, क्योंकि आपका दिल ना कहीं आपको इस पर्सन की तरफ ही खींचता रहा है हमेशा। जैसे होता है ना कि अंधभक्त, सुना है आपने कभी, मतलब पॉलिटिकल टर्म्स में आजकल ये बहुत यूज़ हो रहा है, विच आई डोंट बिलीव, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की,
तो ऐसी फालतू की बातें पे मैं नहीं मतलब भरोसा करती और मैं उसे बोलती भी नहीं हूँ। लेकिन वो टर्म मुझे याद आया कि आप ना कहीं अपने इस पर्सन की रियलिटी पता होते हुए भी आपने कहीं ना अपनी आंखों में हमेशा पट्टी बांधी। आपने अपनी आपने इनके बुराइयों को नहीं देखा, आपने आज तक सिर्फ इनकी अच्छाइयों को देखा है। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से ये एहसास दिला दिया कि नहीं, शायद ये पर्सन है नहीं ऐसा, यू नो। बट अब ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि स्पेशली इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि शायद ना ये इंसान था ही वैसा, ओके। या तो ये मेरे साथ किसी फायदे के लिए था, चाहे फिर वो मेरे लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करता था, या पैसों के लिए था, या किसी और चीज़ के लिए था, फॉर एनी रीज़न। बट वो रीज़न लग रहा है आपको कि इस वजह से ही ये पर्सन बार बार मुझे गोस्ट करता है, या ये गायब हो जाता है मेरी लाइफ से, यू नो, या ये इस रिश्ते से भागता है बार बार दूर, क्योंकि ये सीरियस नहीं है, ओके। ये दिमाग में आ रहा है आपके, ये दिल में आ रहा है आपके थॉट, ये फीलिंग आ रही है, ओके। और कहीं ना क्योंकि आपको इतना हर्ट होता है जब ये रियलाइज होता है आपको कि क्या ये इंसान मेरे से प्यार ही नहीं करता था, क्या ये सिर्फ लस्ट के लिए मेरे साथ था, क्या ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, क्या ये मेरे साथ सीरियस नहीं थी। ये चीज़ें ना आपके दिल कहीं ना कहीं दिल में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस वक्त। चलो इस पर्सन पे तो आपका ट्रस्ट है ही नहीं इस वक्त, लेकिन आप किसी पे भी मतलब अगर कोई आपको प्यार शो भी कर रहा है ना, कोई आपके क्लोज आना भी चाह रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनी वन, ओके। वाई इज़ द टर्निंग पॉइंट हियर? क्यों है टर्निंग पॉइंट यहाँ पे? टर्निंग पॉइंट क्यों है यहाँ पे? ओके, इंटिमेसी एंड सोरो। यस, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन बात हो जाएगी। ये पर्सन मुझसे बात कर लेगा, ये वापस आ जाएगा मेरी लाइफ में, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है मे बी आपके साथ कि पर्सन चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, फिर छोड़ फिर आ जाते हैं, फिर बाद मैसेजेस आ जाते हैं इनके। तो इट हैज़ बीन अ पैटर्न पास्ट में, जिसकी वजह से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो है कि ये इंसान आएगा वापस, ठीक है, ये यू टर्न लेगा और एक नई साइकिल हमारे बीच शुरू होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपको ऐसा लगता है कि उनका आपके पास आने का रीज़न सही नहीं होगा, मे बी सिर्फ लस्ट के लिए, या किसी और फ़ायदे के लिए, या टाइम पास करने के लिए, यू नो। तो आपके मन में ना ये एक शक बैठ गया है इस पर्सन को लेकर, ये एक डाउट बैठ गया है कि ये पर्सन अगर वापस आता है तो उन्हीं चीज़ों के लिए आता है। लस्ट इज़ द रीज़न, इंटीमेसी इज़ द रीज़न, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत सैड करती है। तो जब ये पर्सन आपसे फिर से बात करना शुरू भी कर देंगे ना, आपके दिमाग में पीछे बैक ऑफ द माइंड आपके यही चीज़ चलेगी कि शायद इसको मुझसे कोई फ़ायदा है, या शायद ये फिर वही करेगा जो इसने पास में किया था, ये सिर्फ लस्ट के लिए मेरे पास आया है। सो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ सकती है, जो आपको बहुत सैड कर सकती है, जो आपको बहुत डिप्रेस कर सकती है, और आपको बहुत बुरा लग सकता है, ओके। वाई इज़ द मैरिंग मेडन हियर? क्यों है द मैरिंग मेडन? द मैरिंग मेडन की एनर्जी क्यों है? द मैरिंग मेडन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे रिटर्न एंड इन्फ्लुएंसेस। यस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप ना इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ ना, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो या ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, मैं इस चीज़ मैं इन चीज़ों को बोल ही नहीं रही हूँ। लेकिन कहीं ना आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप ना इस रिश्ते में ना इस पर्सन के साथ फंस गए हो। सी अगेन आई एम सेइंग, क्या आप ये रिश्ता चाहते हो, आप इनसे प्यार करते हो? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू डोंट लव दिस पर्सन, मैं फंस गए हो इस पॉइंट लाइक इस तरीके से बोल रही हूँ कि क्योंकि ये पर्सन क्या करते हैं, ये आपको छोड़ते भी नहीं है, दे कम बैक, किसी ना किसी तरीके से आप इनको फेस करते ही हो। मतलब ये अगर छोड़ के भी जाएंगे ना, आपसे बात करनी भी बंद कर देंगे, ब्रेकअप भी हो जाए, दे स्टिल कम बैक, दे कम बैक अराउंड। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वाई, यू नो, ये अगर जाता है तो ये वापस क्यों आती है, या जाता है जाती है तो वापस क्यों आ जाती है, यू नो, मुझसे सेकेंड चांस क्यों मांगने लग जाती है? तो आप कभी ना कभी 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 बहुत अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में पाते हो कि यार मैं तो फंस गई क्योंकि मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये चीज़ पता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है। तो आप कहीं ना कहीं इस पैटर्न में फंस गए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है
कि ना तो मैं इसको छोड़ पा रही हूँ, ना तो ये मुझे छोड़ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सिचुएशन एकदम स्टक है। क्योंकि आपको एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपको पता है कि आने वाला है वापस। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी ये पर्सन वापस आ भी चुका है, ठीक है, और नहीं तो बहुत जल्दी आएगा या फ्यूचर में आएगा, तब भी आप ये चीज़ें फील करने वाले हो। क्योंकि आपको पता है कि कुछ सिचुएशंस है जो इस रिश्ते को ना अफेक्ट कर रही है। ओके, ये पर्सन तो जिम्मेदार है ही, जिसकी वजह से आज आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, बट बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस भी आपको फील होता है कि कुछ कुछ तो है जो इस पर्सन को नेगेटिव कर रहा है। इनका माइंडसेट मेरे खिलाफ़ नेगेटिव हो रहा है, या तो ये किसी की बातों में आ रहे हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जब ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगी, ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाएंगे, और यही होने भी वाला है। स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आप ना फंसा हुआ पा रहे हो खुद को। आप ना तो छोड़ पा रहे हो, ना तो रुक पा रहे हो। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ की एनर्जी क्यों है? वाइज कॉर्नर्स ऑफ द माउथ हियर, क्यों है कॉर्नर्स ऑफ द माउथ यहाँ पे? इन्फ्लुएंसेस अगेन एंड ट्रैप, मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपके होठों पे ये बात है। आपको लगता है कि मैं पूछ लूँ इस पर्सन से कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, या क्या कोई तुम्हें रोकता है मेरे पास आने से, क्योंकि कहीं ना इस पर्सन के चक्कर में ना आपने खुद खुद को टाइम देना ही छोड़ दिया है। आपने खुद की फिक्र करनी ही छोड़ दी है। आप कहीं ना कहीं खुद की हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एकदम ड्राई हो गए हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। क्योंकि लोग आके बाहर से आपका रिश्ता ख़राब करके चले जाते हैं, बट इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो सिर्फ प्यार करते हो, राइट? तो आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ पा रहे हो। मैंने बोला ना, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे नहीं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आपका तो कुछ लेना देना है भी नहीं उस थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को ला रहे हैं, और थर्ड पार्टी का मतलब मेरा मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी मतलब कोई दोस्त भी हो सकता है उनका, या थर्ड पार्टी उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या थर्ड पार्टी कोई करियर सिचुएशन हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी तो डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई भी नहीं है, फिर भी आपको उस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ तो स्टक हो गई ना यहाँ पे। तो कई बार आप इस बार फिलहाल तो करंटली आप तो खुद को स्टक फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यू नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में, सॉरी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अराउजिंग की एनर्जी क्यों है? वाइज अराउजिंग हियर, क्यों है अराउजिंग की एनर्जी? ओनली यू एंड बॉटम ऑफ द डेक में, मैं बोल रही हूँ ना कि इतना कुछ हुआ है ना आपके कनेक्शन में, इतने ड्रामा क्रिएट हुए हैं, या कह लो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये वो, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी आपके अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो रही है, फिर भी आपका प्यार नहीं जा, इस पर्सन से आप अभी भी प्यार करते हो। आप इनसे अपना दिमाग और दिल हटा नहीं पा रहे हो, आप इनके लिए क्रेव करते हो। आपका मतलब जैसे होता है ना कि कई बार, देखो, आपने कभी ये चीज़ फील करी है कि भगवान के लिए आप किसी भगवान को मानते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है, पूरी श्रद्धा है आपकी, आप उनकी सेवा करते हो, आप उनकी भक्ति करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके लाइफ में ना चीज़ें सही नहीं हो रही होती है उसके बावजूद भी। तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं इतना कर रही हूँ भगवान का, तो फिर भी क्यों, क्यों मुझे दुख मिल रहे हैं, क्यों मेरा प्यार मुझसे छिन रहा है, या क्यों उसके और मेरे बीच में ये सिचुएशन है, फिर भी मेरा प्यार क्यों खत्म? मतलब फिर क्या आप ऐसा करते हो कि आप भगवान को, उस भगवान को पूजना ही छोड़ देते हो? नहीं, राइट? आपकी फिर भी भक्ति कम नहीं होती है, भगवान के लिए आपका प्यार कम नहीं होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका प्यार, सिचुएशन कैसे भी हो आपका प्यार नहीं कम होगा। सेम इज़ द सिचुएशन विथ योर, सेम इज़ द केस विथ योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हो, आपका प्यार नहीं कम हो रहा है इस पर्सन के लिए, आपकी अटैचमेंट कम नहीं हो रही है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से प्यार करते हो, राइट? आप पूरा ट्रस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक विश्वास है कि सब ठीक होगा एक दिन, और ये विश्वास ही कहीं ना कहीं आपके प्यार का एक सबसे बड़ा प्रतीक कह सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी फीलिंग्स है, आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन की भी फीलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। चलो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं।
कि डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, जिनके लिए वो सोचकर जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके क्या इमोशंस है, वो उनके अंदर क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। गाइज एक मिनट, ओके। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। पीस, स्टैंड स्टिल, प्रोग्रेस, डिलीवरेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्रिएटर। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्लैरिफाई करते करते हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपकी फीलिंग्स थी और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। ओके, ये आपकी फीलिंग्स थी और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। लेट्स सी व्हाई इज पीस हियर, क्यों है पीस यहाँ पे। डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए पीस की एनर्जी क्यों है। ओके, क्लाउडी जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, यस, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दूर से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना तो बड़े सुकून में हैं, खुश है, ठीक है, उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो चल रहा है, मतलब आपके ना होने से या आपसे बात ना करके उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप गलत हो। क्योंकि दिल ही दिल में इस पर्सन को आपके साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है, क्योंकि फीलिंग्स है उनके अंदर, बस कहीं ना कहीं उन्होंने अब फिलहाल अपने आप को आपसे दूर रखा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, टिक 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 घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, इस पर्सन की जो कंट्रोल है खुद पे, जहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हैं कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, या मुझे नहीं रिप्लाई करना, मुझे नहीं वो रिश्ता चाहिए, वो फीलिंग्स ख़त्म होती जा रही है। ओके, हाँ, फिलहाल ये पर्सन आपको बहुत ही शांत लग रहे होंगे या ऐसा लग रहा हो, मतलब उनको भी ये चीज़ फील हो रही है कि रिश्ते के बगैर ही मैं ठीक हूँ, बात किए बगैर ही मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर इनसाइड उनके दिल में कहीं ना कहीं अभी शांति नहीं है। ऊपर से भले ही वो शांत लग रहे हो, वो अपने दिमाग को ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू ठीक है ऐसे ही, लेकिन अंदर उनके शांति नहीं है, अंदर वो कहीं ना कहीं उनका लिमिट ख़त्म होते जा रही है, उनकी कंट्रोल ख़त्म होते जा रही है, वो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर भी नहीं रह पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो एक मास्क पहन के रखा है ना उन्होंने, जहाँ पे वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू, वो इसलिए है क्योंकि उनका मन शांत नहीं है, वो खुद डिस्टर्ब्ड है। ओके, वो खुद उनकी लाइफ ही मुझे लगता है कि पूरी एक डिल्यूजन बन रखी है इस वक्त, डिस्टर्ब्ड दिख रहा है मुझे पूरी तरह से ये पर्सन, भ्रमित जैसे होता है ना, इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, वो बस अपने आप को एक इल्यूजन में जी रहा है कि मैं खुश हूँ उसके बिना, मैं उससे बात के बिना खुश हूँ, ये सब आपके पर्सन का एक भ्रम है, ठीक है। और वो बहुत जल्द वो एक जो बलून बना है ना उनके भ्रम का, वो टूटने वाला है, गुब्बारे में है ना वो एक भ्रम के, वो गुब्बारा बहुत जल्दी फूटने वाला है, क्योंकि वो लिमिट ख़त्म होते जा रही है, अब वो नहीं रह पा रहे हैं, अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपके बिना, ठीक है। वाई स्टैंड स्टिल हियर, स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों है। कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्जॉशन, यस, ये पर्सन डेफिनेटली ना आपके लाइफ में ऐसा बन गया है जैसे मतलब इनका होना ना होना एक बराबर हो गया आपके लाइफ में, एक स्टेलमेट बन गए हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, जैसे है नहीं है, सेम ही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो भी रुके हुए हैं, आप भी रुके हुए हो, उनकी लाइफ भी आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी भी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, उनकी लाइफ पूरी रुक गई है, हॉल्ट जैसे होता है ना कि रुक गई है, स्टॉप हो गई है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों में चल रहे हैं, लड़ाई, या अगर वो आपसे किसी भी वजह से दूर है, बात नहीं कर रहा है, वो उनको बहुत अफेक्ट कर रही है, वो चीज़ बहुत अफेक्ट कर रही है, वो प्रॉब्लम उनको बहुत अफेक्ट कर रही है, वो भी थक गए हैं आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके, आपसे डिसकनेक्ट होके, वो थक गए हैं, वो लिटरली अपने आप को ज़बरदस्ती एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, बट दे आर नॉट हैप्पी, एग्जॉस्टेड है ये पर्सन, उनको लिटरली आपके बिना ये जो वो चल रहे हैं ना जिस रास्ते पे, वो रास्ता उनको ऐसा लग रहा है ये रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है रास्ता, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है रास्ता,
ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रेस योर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, जरा भी डाउट है कि ये पर्सन तो मेरे बिना खुश है, नो दे आर नॉट, यहाँ पे प्रोग्रेस की एनर्जी क्यों है? चेजिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में फाउंडेशन, यस। इनके लाइफ में ना आपके अलावा, ठीक है, मतलब प्यार करते हैं आपसे, ये तो श्योर है, ठीक है, इनको आपकी याद आ रही है, ये बात भी क्लियर है, ये आपके बिना रह नहीं पा रही है, ये चीज़ भी क्लियर है। लेकिन दूसरी एक चीज़ जो इनके लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कह सकते हो कि उसके वजह से भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो है उनका करियर, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली, ओके, जो भी वो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो ना, मुझे लगता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत फेम हासिल करना चाहते हैं, बहुत फेमस होना चाहते हैं, बहुत पैसा हो, मुझे लोग अप्रिशिएट करें, मेरे काम को अप्रिशिएट करें, मुझे अवार्ड्स मिले, अचीवमेंट्स मिले, मेरी लाइफ फटाफट आगे बढ़े, मुझे बहुत पैसा मिले, मतलब मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है इस इंसान का। और ऐसे लोग ना प्यार के मामले में, मतलब ये रिलेशनशिप में बहुत कच्चे होते हैं ये लोग, जो हमेशा सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा चाहिए, मतलब ये ना ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, जिस रेस में आप पीछे छूट रहे हो, ये उनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक, या अभी भी उसी माइंडसेट में है कि ठीक है ना, रिलेशनशिप की तो बैंड बज गई है, बट ठीक है, मैं करियर पे ध्यान देता हूँ, मैं अपना माइंड वहाँ पे डाइवर्ट करता हूँ। लेकिन क्या आपकी जगह, क्या प्यार की जगह करियर ले सकता है? नहीं ले सकता। आप पैसा कमा रहे हो तो सिर्फ खुद के लिए, खुद पे उड़ाने के लिए कमा रहे हो, तो आप सेल्फिश हो। हाँ, अगर आप अपने घर वालों को खुश देखना चाहते हो, उस पैसों से उनकी खुशी, यू नो, उनको पैसे दे के उनको खुश करना चाहते हो कि देखो हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया आज तक, आज हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वो खुशी अगर आप अपने घर वालों के, चाहने वालों के आंखों में देखने के लिए ही तो कमाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी ना उस रेस में है, मटेरियलिस्टिक रेस, जहाँ पे उनको खुद का घर बनाना है, पैसा कमाना है, फेम चाहिए, ये चाहिए, जो कि टॉक्सिक है। इतना भी नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए, लव लाइफ भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लव लाइफ, पर आपके पर्सन डेफिनेटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट उनका डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उनको, ठीक है। व्हाई इज डिलीवरेंस हियर, क्यों है डिलीवरेंस यहाँ पे? पॉसिबिलिटीज एंड बॉटम ऑफ द डेक में रनिंग, मैंने बोला ना, ये पर्सन को फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम में जीना है, कोई पूछने वाला नहीं चाहिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं चाहिए कि कोई उन्हें बताए पूछे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लिबरेट रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्री स्पिरिटेड पर्सनैलिटी है आपके पर्सन, ठीक है, मतलब उनको चाहिए कि भाई बस रिस्क लूँ मैं, रिस्क पे रिस्क लेते जाओ, जो मन में आया वो करूँ, कोई पूछने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। और इस वजह से कई बार आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, ओके, क्योंकि अब देखो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यू नो, तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी से भी बात करूँ, राइट? ये कहीं ना कहीं गलत है, आप बंद जाते हो उस रिश्ते में, कमिटेड हो जाते हो, राइट? और उसी में मज़ा है, कमिटमेंट में ही मज़ा है, जिन लोगों को कमिटमेंट सज़ा लगती है ना, वो इस दुनिया धरती पे बोझ है, मुझे लगता है उनको इस धरती से ही चले जाना चाहिए किसी और प्लैनेट पे, क्योंकि जहाँ इमोशंस है, जहाँ कमिटमेंट है, जहाँ प्यार है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस तो होगी ना, फॉर श्योर। लेकिन इनको क्या चाहिए? मुझे खुली आज़ादी दो, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अरे कैसे भरोसा होना चाहिए, राइट? तो इस फ्रीडम के चक्कर में भी ये पर्सन कई बार आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, या आपको गोस्ट कर देते हैं, या आपसे दूर भागते हैं, और अभी भी ये वही कर रहे हैं करेंटली। क्रिएटिव की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज क्रिएटिव हियर, डिवाइन प्लीज बताएं कि क्रिएटिव की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज क्रिएटिव एनर्जी हियर? बिगिनिंग्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रेकिंग पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत तो होने वाली है, फॉर श्योर। कब होगी ये आपको अपने पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी, लेकिन होने तो वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपके आपका प्यार पाना चाहते हैं, वो भी देखो, उनके लिए भी आपका प्यार ताकत है, वो भी आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये लिमिट, मैंने बोला ना, उनकी लिमिट ख़त्म हो रही है, जो ये मास्क पहन के बैठे हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है, मेरा ये मेरा वो, ये सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ओके। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जहाँ पे उन्हें फ़र्क पड़ेगा आपके होने ने से, आपके ना होने से, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर दैट टाइम। चलिए देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन।
उनके मेजर फीलिंग्स क्या है, उनकी मेजर फीलिंग्स क्या है। एक काम करते हैं, हम उनके मैसेजेस देखते हैं, लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, जिनको सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ सी, वो कमिटमेंट तो देना चाहते हैं आपको, उनकी चाहत तो है, वो चाहते हैं आपको अपनी फ्यूचर में, दे वॉन्ट यू टू बी देयर, टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ है, यू नो, जो भी उन्होंने आपसे किया है पास्ट में, या जो उनके साथ कुछ पास्ट में हुआ है, उसको लेकर वो अभी भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, खुद को भी नहीं माफ़ कर पा रहे हैं, आपको भी नहीं माफ़ कर पा रहे हैं। ठीक है, यू आर अ बेटर पर्सन, सॉरी आपको नहीं, ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, दे वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, किसी की तो फॉरगिवनेस चाहते हैं ये। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन, इनका कॉन्फिडेंस आपके सामने लो हो जाता है, इनको लगता है तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, यू डिजर्व बेटर देन मी, यू नो। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो उनको ऐसा लगता है कुछ आदतें आपकी भी ऐसी है और कुछ आदतें उनकी भी ऐसी है जो बदलनी बहुत ज़रूरी है अगर रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है। ठीक है, इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी रिमैच। तो उनको, देखो आप इरिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आप प्यार करते हो उसकी कोई मैच ही नहीं है। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक, यस, ये लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या मे बी आप दोनों के बारे में लोग बात करते हैं एंड दे डोंट लाइक इट। ठीक है, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है काश मैंने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस किया होता, अपनी फीलिंग्स बताई होती अच्छे से। आई लेफ्ट वेन थिंग्स गॉट हार्ड, सी मैं वही बोल रही थी ना आपको कि जब चीज़ें मुश्किल हो जाती है ना रिलेशनशिप में, बजाय के वो संभाले चीज़ों को, सोल्यूशन ढूंढे, आपसे बात करे, भाग जाते हैं, डिसअपियर कर हो जाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, लेकिन वो अब आप और भागना नहीं चाहते, पहले वो भागते थे सिचुएशन से, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते, वो भाग 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 के थक चुके हैं। रेमिनिसिंग, आई मिस आर इनसाइड जोक्स। तो डेफिनेटली वो आप दोनों के बीच में जो एक एक क्लोजनेस थी, जहाँ पे आप दोनों जोक्स करते थे, बातें करते थे, इन्जॉय करते थे, वो मिस कर रहे हैं। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो जो भी हो रहा है, बात नहीं हो रही है, या ब्रेकअप हुआ, या उन्होंने कुछ बोल दिया, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। लास्ट मैसेज, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया जब मुझे करना चाहिए था, जब मुझे मौका दिया गया था तुम्हारी तरफ से। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो कुछ है गाइस, कुछ है जिसे ये हील कर रहे हैं, यू नो दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम समथिंग। कैसे लगी ये रीडिंग आपको, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ठीक है चलो शेयर तो नहीं करते हो, लेकिन कमेंट भी नहीं करते हो, करो यार, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या, अगर आपको गाइस कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, बुकिंग्स शुरू है। स्पेशली अगर आपको लगता है कि कुछ भी करके भी रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूर लीजिए दो क्रिस्टल्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक इन्वेस्टमेंट है आपके रिश्ते के लिए, रोज़ क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टॉरमेलाइन, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मेरे रिश्ते में गुड लक साथ दे, तो ये क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन और रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। सो मैं तो आपको डिटेल्स बताती रहती हूँ वीडियो में, तो आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। मेरा नंबर जो है मंगवाने के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, लव यू गाइस। सो गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे रिश्ते पे नज़र लग जाती है, या लोग मेरे रिश्ते को नज़र लगाते हैं, रिश्ता सही चल रहा होता है, बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती है, जैसे मैंने रीडिंग में बताया, यू नो, अचानक से बार बार ब्रेकअप हो जाता है, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, तो ये क्रिस्टल आपको बहुत मदद करता है आपकी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए और आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। लेकिन ये सिंगल नहीं पहनना आपको, इसके साथ आपको रोज़ क्वार्ट्ज भी पहनना है। अब रोज़ क्वार्ट्ज आप ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हो, अगर आपको रिंग कंफर्टेबल लगती तो रिंग फॉर्म में भी मिलती है आपको, आप रिंग फॉर्म में भी पहन सकते हो। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप पहनोगे ना, तो आपके रिश्ते को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा और कोई आपके रिश्ते की कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको अलग नहीं कर पाएगा, कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल या ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएगा, आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ नहीं पाएगा, ख़राब नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बार बार मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मैं कोई जॉब
कि यू नो जब इंटरव्यू तक चीज़ें सही जाती है, इंटरव्यू के कुछ फ्राउंड्स मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर मेरे यू नो मतलब ये नज़र जहाँ पे लगती है या स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें जहाँ होती है ना, आप इसको यूज़ करिए, चुटकियों में आपका काम सॉल्व हो जाएगा और आपको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपको आप पे कभी कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। ओके तो आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे टीम को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और मैं आपको ये एक्टिवेट करके भेज दूंगी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो या रिलेशनशिप में भी आप बहुत अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहे हो रिश्ते को सुधारने के लिए, या आपको जॉब मिलने के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही आपकी मर्जी से? वो इसलिए होती है क्योंकि आपका लक आपका साथ नहीं देता है। तो आप ये ग्रीन एवेंचर आइन अगर पहनते हो ना तो ग्रीन एवेंचर आइन से सबसे आपका लक सुधर जाता है, गुड लक आपको फेवर करने लग जाता है, आपकी लव लाइफ गुड लक की आपका सही नहीं चल रहा है, लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये क्रिस्टल उस मामले में आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप लकी हो जाओगे इन रिलेशनशिप। कुछ आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इजीली बहुत अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं या उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तो वो इसीलिए क्योंकि उनका लक बहुत अच्छा होता है। तो आपका भी लक आप इतना अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको जॉब नहीं लगती या आपकी प्रमोशन नहीं होती तो गुड यू नो ग्रीन एवेंचर आइन पहनो, या फिर आपको ऐसा लगता है मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ या मेरा बिजनेस है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो ग्रीन एवेंचर आइन पहनो। मतलब हर एरिया ऑफ लाइफ में ना आप अपने पर्पज़ के हिसाब से इसको मुझसे एक्टिवेट कर सकते हो, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको गुड लक फेवर करने लग जाएगा। ठीक है, अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी मैसेज करो और अपने लिए बुक कर लो। ऐसा लगता है ना कि मेरे पर्सन ने मुझसे बात करनी चाहिए, मेरी तरफ अट्रैक्शन फील करना चाहिए, उन्हें मेरे लिए ऑब्सेशन होनी चाहिए, वो सिर्फ मेरी बात सुने, मुझे समझे, लोगों की बातों में ना आए, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ उस केस में बहुत मददगार है। अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहनते हो ना तो आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो, आप खुद में बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाते हो, लोग जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनको आप पसंद आने लग जाते हो, सब आपकी बात मानने लगते हैं, सब आपसे प्यार करने लगते हैं। चाहे आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता खराब हुआ हो, आपकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता खराब हुआ हो, अपने खुद के साथ यू नो एक कॉन्फिडेंस लो हो गया है, खुद से प्यार नहीं करते हो, या अगर आप जिनसे प्यार करते हो वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, अट्रैक्शन कम हो गया, इंटीमेसी नहीं रही है, पैशन नहीं रहा है, तो ये क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है उस केस में। तो देख रहे हो ये ब्रेसलेट फॉर्म में है और रिंग फॉर्म में भी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ब्रेसलेट पहनने के लिए तो आप रिंग भी ले सकते हो, ठीक है, और इसको पहन सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे टीम को, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे टीम को आप मैसेज कर लो, जो भी चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए तो ब्रेसलेट मिल जाएगा, रिंग चाहिए तो रिंग मिल जाएगा, एंड अपनी रिलेशनशिप को आप सुधार सकते हो एंड इतना प्यार पा सकते हो ना अपने पार्टनर से कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।